दोस्तों जय हिंद जय भारत। अभी जो आप इस अलौकिक घड़ी को देख रहे हो और सुन रहे हो, इसको देखकर और सुनकर आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। 50 साल से जल रही ये अविरल ज्योति जो कि इंडिया गेट पर स्थित है, हमारी सरकार ने इस ज्योत को नए शहीद स्मारक की ज्योत के साथ मर्ज करने का निर्णय लिया, जो कि यहाँ से 400 मीटर की दूरी पर है। इस नई ज्योत के साथ पुरानी ज्योत का जो मर्जिंग होगा, ये इस ज्योत के लिए एक बहुत बड़ा इज्जत का विषय रहेगा। जो ये हमारी आर्मी का जवान इस लो को प्रॉपर सर्विलेंस के तहत कैरी करते हुए नए शहीद स्मारक की तरफ बढ़ रहा है, इस अवसर पर भी भगवान का आशीर्वाद हमारा मनोबल बढ़ाएगा और हमारे देश के शान को और ऊंचा करेगा। अगर इस मौके पर तेज हवा भी चल सकती थी या चल सकती है और बारिश भी आ सकती थी या आ सकती है, तो इस लो को जो बाधा पहुंच सकती थी वो भगवान ने नहीं पहुंचने दी। इससे साबित होता है कि भगवान का आशीर्वाद हमारे देश के साथ है। इससे ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि सरकार द्वारा लिया गया जो ये निर्णय उचित है। जिस प्रकार सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान हमारी सरकार का लिया हुआ निर्णय सही साबित हुआ था कि ना तो हमारा देश का कोई जवान शहीद हुआ था और ना कोई ऐसी बड़ी हानि हुई थी, और जो हमारा टारगेट था वो हमें अचीव हुआ था। उसी प्रकार जो सरकार का ये इंडिया गेट की ज्योत को नए शहीद स्मारक की ज्योत के साथ मर्जिंग करने का डिसीजन सही साबित हुआ है, ना बारिश ना हवा, ये हमारी सरकार के मनोबल को और भी अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अभी जो हमारा जवान इस नई लो के साथ पुरानी लो को मर्ज करने के अंतिम पड़ाव पर, ये हमारे जो दिल्ली एरिया के जनरल साहब के द्वारा लो नई लो में इनको मर्ज किया जा रहा है। ये बहुत शुभ घड़ी है, हम सबको इसकी इज्जत के लिए खड़ा होना चाहिए। ये जो नया शहीद स्मारक को आप देख रहे हो, इसमें जितनी भी ईंटें लगाई गई है उन सभी ईंटों पर जो हमारे अभी तक के शहीद जवान हुए हैं उन सभी का नाम दर्ज किया गया है, जो कि 25,900 के करीब है। और भगवान ऐसा ना करे, फिर भी हम लोग जब अपने देश पर शहीद होते हैं तो गर्व महसूस करते हैं। तो जब कभी कोई जवान हमारा देश पर शहीद होगा, उनका भी नाम इस पर दर्ज होगा। जय हिंद जय भारत।